छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शीत सत्र 2 जनवरी से। कर्मचारियों के नियमितीकरण, आरक्षण सहित कई मुद्दों की रहेगी गूंज। पहले दिन बीजेपी ला सकती है स्थगन प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए साल के दूसरे दिन से शुरू होगा। शीत सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले ही दिन भाजपा नियमितीकरण के मुद्दे पर स्थगन करने जा रही है। भाजपा की तरफ से विधानसभा को इसकी सूचना भेज दी गई है। इसके अलावा धान खरीदी में अव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को पीएम आवास नहीं मिलने के मुद्दे पर भी पार्टी स्थगन ला सकती है। राज्य के सरकारी विभागों, निगम मंडलों में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी संविदा दैनिक वेतन भोगी, ठेका, मानदेय और प्लेसमेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछली सरकार के समय से ही ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने इन कर्मचारियों से नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 4 साल बाद भी इनका नियमितीकरण नहीं हो सका है। कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरह कोविड के समय कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शीत सत्र 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में भाजपा विधायक दल की बैठक 1 जनवरी को बुलाया जा सकता है। चुनावी साल का पहला सत्र 5 दिन का है। ऐसे में भाजपा हर दिन स्थगन लाने का निर्णय ले सकती है। बताया जा रहा है कि सत्र के पहले दिन कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर पार्टी स्थगन लाएगी।